सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। ग्यारह साल की उम्र में उठा मां का साया, पिता ने दूध बेचकर बेटे को बनाया भारतीय टीम का कप्तान और अब आईपीएल 2020 में बना करोड़पति। हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है, कोई इसमें टूट जाता है तो कोई निखर जाता है, और जो उस दौर का डटकर सामना करता है उसको पार करता है वही प्रियम गर्ग बन पाता है। जी हाँ, यह कहानी है 30 नवंबर 2000 को मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे प्रियम गर्ग की। प्रियम गर्ग की कहानी शुरू होती है एक सपने से जो उन्होंने बचपन में देखा था, क्रिकेटर बनने का। कुछ लोगों ने प्रियम की प्रतिभा को देखकर उनके पिता को क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन कराने की सलाह दी थी, मगर उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी और ना ही कोई मजबूत सोर्स था। परंतु इस आर्थिक तंगहाली में भी आखिर एक पिता अपने बच्चे के सपने को कैसे रौंद पाता। किसी भी तरह प्रियम का एडमिशन संजय रस्तोगी की एकेडमी में हो गया। मेरठ में एकेडमी ज्वाइन कराने के बाद प्रियम के पिता ने अपने बेटे को अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए दिन रात एक कर दी। प्रतिदिन परीक्षित गढ़ से मेरठ भेजने और उनको वापस लाने की जिम्मेदारी भी पिता के लिए बहुत बड़ी थी। कई बार साधनों की कमी के चलते साइकिल से भी मेरठ आना पड़ता था, क्योंकि प्रियम के घर से एकेडमी 20 किलोमीटर की दूरी पर था। प्रियम के पिता नरेश को छोड़कर परिवार के सभी लोग प्रियम से बेहद नाराज रहते थे। प्रियम की मां कुसुम देवी समझाती थी कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा, मगर प्रियम के अंदर क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था। परंतु इस जुनून के बीच एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। प्रियम की मां कुसुम देवी की मृत्यु हो गई। साल 2011 में जब प्रियम की मां की मृत्यु हुई उस वक्त प्रियम की उम्र महज 11 साल की थी। लेकिन मां की मौत के बाद पिता नरेश ने प्रियम का हौसला नहीं टूटने दिया। हालांकि मां की मौत के दौरान प्रियम ने एकेडमी जाना छोड़ दिया था, परंतु पिता के हौसले ने बेटे को एक नया पर दे दिया। जिस बाप ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए कभी दूध बेचा हो, कभी स्कूल की गाड़ियां चलाई हो, तो आखिर प्रियम गर्ग अपने पिता के इस सपने को कैसे पूरा नहीं करते। उनको करना ही था, उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनना ही था। अगस्त 2019 में प्रियम गर्ग दिलीप ट्रॉफी में शामिल हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पिता का वो ख्वाब उस वक्त पूरा हो गया जब बेटे को 2020 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया गया। कप्तान बनने के बाद प्रियम ने इंटरव्यू में बताया कि पापा दूध बेचते थे और रात में मुझे 10 रुपए इसलिए देते थे जिससे मैं मेरठ जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकूं। मेरे पापा ने मेरे लिए दूध बेचा, स्कूल की गाड़ियां चलाई, क्या कुछ नहीं किया। उस समय हालात उतनी अच्छी नहीं थी कि बस की सीट पर बैठकर सफर कर सकूं, इसलिए बस की छत पर बैठकर एकेडमी जाता था। उस दौरान अक्सर सोचता रहता था कि एक दिन खूब पैसा कमाऊंगा और पापा की मदद करूंगा। हालांकि घर की स्थिति में अब काफी सुधार हुआ है। रणजी मैचों में खिलाड़ी बेटे का सिलेक्शन होने के बाद बेटे को अच्छी रकम मिलती है, जिससे घर के हालात अब पहले से बेहतर हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल प्रियम गर्ग ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए एक दोहरा शतक, 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 867 रन बनाए थे, जिसके फलस्वरूप आईपीएल 2020 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रियम गर्ग को 1,90,00,000 रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये रही कहानी युवा खिलाड़ी प्रियम गर्ग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर के माध्यम से हर किसी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।